नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में। शानदार तेजी देखने को मिल रही है आपको आईटी स्टॉक्स में, एंड ये मैं आपके साथ कल कहता हुआ दिखा था। जब कल मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, एंड मैं उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी से माफी मांगूंगा, क्योंकि कल क्या हुआ कि मैंने सेम वीडियो दो बार रिपोस्ट कर दी एंड मैंने पोस्टर थंबनेल सब दूसरी वीडियो का लगाया, यानी कि और उस वीडियो में जो मैंने प्रीवियस वीडियो पोस्ट करी थी वही पोस्ट करी थी गलती से। एंड जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो मैंने उस वीडियो को ओपन करके देखा, मैं अपनी वीडियो देखता नहीं हूं नॉर्मली, जब मैंने ओपन करके देखा तो मैंने रियलाइज करा, एंड उसके बाद मैंने कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई दिया, एंड फिर वो रात के 12:10 पे मैंने वीडियो पोस्ट करी जो मैंने करनी थी बट उसके बदले दूसरी हो गई थी। तो उस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी करा था कि आज तीन सेक्टर हैं जो फोकस में रहेंगे। पहला तो बैंकिंग, क्योंकि भाई बैंकिंग स्टॉक्स के नंबर अच्छे थे। दूसरा एक आईटी, और मेटल स्टॉक्स न्यूज में चल रहे हैं। आईटी में तेजी की बात हुई थी और एग्जैक्टली आप देखिए आज मार्केट को लीड करते हुए दिख रहा है एट द एंड आईटी सेक्टर। अगर आईटी सेक्टर के बारे में बात करें तो लगभग 1.8% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीजन है नेस्डेक इंडेक्स। फ्राइडे को लगभग 2.5% से ज्यादा नेस्डेक इंडेक्स में तेजी बनी थी। एंड अगर आप मार्केट ब्रेथ देखोगे ना तो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। मुझे पता है आज भी पोर्टफोलियो लोगों की लाल निशान में हो सकती है। निफ्टी में 96 पॉइंट्स की तेजी, बैंक निफ्टी में 338 पॉइंट की तेजी, मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप फ्लैट, लेकिन इसके बावजूद लोगों की पोर्टफोलियो में कोई ज्यादा हरियाली नहीं होगी। रीजन, एडवांस शेयर्स 970 है, डिक्लाइनिंग शेयर्स 1062 है। ये आजकल चल ही रहा है। अब आते हैं वापस टॉपिक पे, आईटी स्टॉक्स पे। आईटी स्टॉक्स की बात करें तो टेक महिंद्रा मैंने आपके साथ रिकमेंड करा था 1040 पे, अभी 1067 पे आता हुआ दिख रहा है। 1100 रुपए के लक्ष्य थे, टेलीग्राम में भी दिया था अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ। तो ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है एंड पूरे आईटी स्पेस शानदार दिख रहा है। देखिए एलटीआई माइंटी के नंबर्स खराब थे, लेकिन यही बात हुई थी कि भाई हो सकता है आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे तो ये गिरे ना, और आज 2.5% ऊपर है। इनफैक्ट गिरने की तो छोड़ो, HCL Tech, Infosys, LTI Mindtree, LTTS, Emphasis, Coforge, Persistent, TCS, Tech Mahindra, Wipro, सारे के सारे आईटी स्टॉक्स हरे निशान में है। एंड 2023 की थीम ही मैंने आईटी पिक कर रखी है। मैं आपके साथ कंटिन्यू कह रहा हूं, आईटी, केमिकल, फार्मा, इन स्टॉक्स को आपके नजर में रखना है। अब देखिए आईटी में नेस्डेक इंडेक्स 2022 में 35% क्रैश हो चुका है। अब सेकंड सेम कंटिन्यू तो नेक्स्ट ईयर भी फॉल नहीं होगा एक इंडेक्स एज एन स्पेस कहीं ना कहीं, तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि रिकवरी आनी चाहिए और डेफिनेटली इस साल आईटी जनवरी में टॉप परफॉर्मर रहे हैं। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पे। आईटी से सबसे पहले तो हमारा न्यूजेन सॉफ्टवेयर कमाल करता हुआ दिखा है, ठीक है, इसकी कंटिन्यू अपडेट आपको मैं दे चुका हूं। एंड अब मैं आपसे ये भी कह रहा हूं पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, 411 पे 330 की बाइंग थी। एक छोटा स्टॉक जो सबका फेवरेट भी है, कहीं ना कहीं लोगों की पोर्टफोलियो में है भी, स्टॉक का नाम है बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट के नाम से, जिसे आप लोग अच्छे से जानते हैं। 303 पे स्टॉक अपने नीचे कहीं ना कहीं अच्छी तेजी आई थी, फिर रिट्रेस हुआ एंड दोबारा ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ये स्टॉक आपको जल्दी ही 320-330 रुपीज के लेवल दिखाएगा। तो बी सॉफ्ट कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा है फिर से चार्ट्स पे। अगर बड़े लार्ज कैप की बात करें तो टीसीएस एक आउट परफॉर्मर है और टीसीएस अच्छा भी दिखता है। मैं आपके साथ कंटिन्यू कह रहा हूं 3450 तक स्टॉक जाने की तैयारी कर रहा है। स्टॉक्स की बात करें, इंफोसिस बेस्ट है, 1548 पे एक तेजी के बाद रिवर्सल एंड दोबारा ऊपर जा रहा है। अब ये स्टॉक पहले नहीं रुकेगा, करीब करीब 1580 रुपए से पहले रुकने का कोई मुझे लगता नहीं है कोई स्टॉप है स्टॉक के लिए। तो 1580 के टारगेट्स होंगे और 1600 भी आपके लिए जाता हुआ दिखेगा। HCL Tech अपने रिजल्ट्स के बाद से आउट परफॉर्मेंस जारी है स्टॉक में। इनफैक्ट क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बाद से तेजी बनी थी, 1140 तक गया, फिर वो इन्वेस्टर्स मीट के बाद स्टॉक में बड़ा क्रैश आया। कंसोलिडेट करता है, सपोर्ट लेता है स्टॉक 1040 पे, दोबारा 1130-40 पे दोबारा आता हुआ दिख रहा है। एंड इस बार लगता है स्टॉक ये लेवल ब्रेक करके ऊपर के लेवल्स आपको दिखाएगा। स्टॉक का 52 वीक हाई भी 1215 का उनके पास ही ऑलमोस्ट पहुंचता हुआ दिख रहा है। बाकी अगर लाइफ टाइम हाईज की बात करें तो स्टॉक के 1340 के समथिंग के मुझे लगता है वो भी स्टॉक के लिए अचीवेबल है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो विप्रो, जहां पे लोगों की पोजीशन काफी हैवीली फंसी हुई है। मैं आपके साथ कंटिन्यू कह रहा हूं कि अब जो इनपे टैग लग गया ना 2022 में गिर रहे हैं, वो गिरावट हो चुकी है। 380-385 विप्रो ब्रेक नहीं कर रहा, दोबारा घूमने की तैयारी कर रहा है। स्टॉक पे एक हर्डल आएगा 412-413 का, वो निकालेगा तो फ्रेश बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा विप्रो। अब यहां से आप बेच रहे हो तो क्या सोच के बेच रहे हो मुझे नहीं पता। अब 19 के पीई पे है स्टॉक, मैंने आपके साथ नॉर्मल शेयर भी करा था। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग अभी 20.7 का है, अराउंड अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, सॉरी अर्निंग पर शेयर 20.7 का है।
एंड अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भी इसे कैलकुलेट करें अगले एक साल के लिए 2023 के एंड तक के लिए, तो वो 480 रुपए का भाव दिखाता है मिनिमम। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स अब बेचने वाले हैं ही नहीं। आईटी स्टॉक्स में अभी भी मुझे काफी स्कोप दिखता है। हाँ, गिरावट में लेने के मौके ढूंढते रहे, मार्केट में किसी भी डिप में आईटी स्टॉक मिले तो खरीदते रहे। टॉप पिक इस समय टीसीएस इंफोसिस रहेगी। अगर मिड कैप से बात करें तो कहीं ना कहीं बी सॉफ्ट अभी टेक्निकली अच्छा लग रहा है, मैं फंडामेंटली बात नहीं कर रहा हूँ। फंडामेंटली जो अच्छा लगा था ओएफएसएस एंड आपके लिए न्यूजेन सिलेक्ट करा था, न्यूजेन में तो ऑलमोस्ट लेवल्स आ गए हैं, ओएफएस चलेगा मेरे हिसाब से, अभी मौका बहुत ज्यादा है वहां पे। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आपको रडार पे रखने चाहिए। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।